हेलो एवरीवन माय सेल्फ डॉक्टर श्वेता यू आर वाचिंग माय चैनल आयुर्वेदा आयुर्वेद टुडे इन दिस वीडियो आई एम डीलिंग विद द विदिक इंट्रयट्रेन डेथ ऑफ फीटर्स इन आयुर्वेदिक एस्पेक्ट व्हिच इज नोन एज मृतगर्भा सो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका हि से दट यहाँ पुनर्तिमात्रोष उपच्चय तीक्षणष्ण सेवनत्वा ವಾತ ಮೂತ್ರ ಪುರಿಷ ವೇಗವಿಧಾರಣೈರ್ವ ವಿಷಮ ಶಾಯನ ಸ್ಥಾನಸಂಪೀಡನ ಅಭಿಘಾತೈರ್ವ ಕ್ರೋಧ ಶೋಕ ಐರ್ಷ ಭಯತ್ಸಾದಿರ್ವ ಸಾಹಸೈರ್ವಾ ಅಪ್ ಅಪರೈ ಕರ್ಮಭಿರಂತ ಕುಕ್ಷೇ ಗರ್ಭೋ ಮ್ರಿತೆ ಸೊ ಅಕಾಡಿಂಗ್ ಟು ಅಚರ ಚರಕ ಹಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದೋಷಸಂಚಯ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕನ್ಸಮ್ಶನ್ ಆಫ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಉಷ್ಣ ಆಹಾರ ವೇಗಧಾರಣ ಆಫ್ ವತ ಮೂತ್ರ ಪುರಿಷ एंड ड्यू टू विषमाशन विषमशयन उदर संपीडन एंड अभिघात एंड आलो ड्यू टू क्रोध शोक भय ऐसा अदिकाहस एक्सेट्रा द गर्भा वि गर्भाशय ओनली दिस् अकॉर्डिंग टू आचर चरक हि फर्दर से दैट वायु कुस्तु विहि गर्भांगू हिम द प्रकुपिताताल काज द डे ऑफ द बेबी

So Manasika and Agantuka Vadi of mother and also the diseases of Garbha itself. By these reasons, the Garbha will die in Garbhashaya according to Acharya Sushruta. Next, Acharya Vagbata has says that according to him, the nidanas of Garbhasrava, the nidanas which are explained for Garbhasrava are held responsible for the Mudagarbha and also for Ruta Garbha.

सो अका टू आचार्य वग्भट ही सेज इन अष्टांग संग्रह शारीरस्थान फोर्थ चैप्टर अत्यधिक दोषोपचय व्यवाय एंड पूर्वजन्म कृतकर्म ड्यू टू दीस् हौ द फ्रूट विलटैचड फ्रॉम इट्सटा और ट्री विल फॉल डौन इन देम वे द गर्भ विल गेट फ्री फ्रॉम इट्स बंधन दट ईज फ्रॉम द गर्भाशय नेक्स्ट अका टू आचार्य वग्भट सेकेंड दट इज इन अष्टांग हृदय इट इस टोल दट दोष अतिमात्र संचय अपत्य सेवन एंड दैव योग अर्थ निदान फॉर मृत गर्भ इन भावप्रकाश ही इन भावप्रकाश संहिता इन चिकित्सा स्थान हि हाज एक्सप्लेन अबउट गर्भनाश इन द एटी टाइप्स ऑफ वातविकार हि हैज इंक्लूडेड गर्भनाश अमोंग दातविकार सो बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट ड्यू टू दैट इज ड्यू टू प्रकोप ऑफ वात देर विल बी गर्भनाश हरित सेज दैट निहारा निहाराच म्रियते यदि गर्भो अंतरे स्त्रीय सो अकॉर्डिंग टू हरिता निराहारा विल कॉज द मृत्यु ऑफ गर्भ हियर वी कैन से और वी कैन टेक निराहारा एज निराहारा ऑफ मदर और निराहारा ऑफ गर्भ हियर निराहारा ऑफ गर्भ इज ड्यू टू ग्राभि विकृति इन काश्यप संहिता ही एक्सप्लेन अबाउट नाकिनी जाता हरिणी वागट एक्सप्ले अबउट जातज्नि युनिवैपथ एंड इन जननांग विकार देर इज द विकार नेम्ड एज पू प्रजा सो दीज आर ऑल कैरेक्टरइज विथ द रिपीटेड स्टिल बर्थ्स विच अपीयर टू बी द डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपीटेड स्टिल बर्थ ड्यू टू इन्फेक्शन और जेनेटिक एबनॉर्मलिटी सो बै कंसिडरिंग ऑल द एक्सप्लेनेशन गिवन बैर आचार्यस् वी कैन ओवरऑल निदान एज वी कैन कंक्लूड दैट दोषोपचय निराहार आहार विषम्य अभिघात मानसिक और शारीरिक कोपताप ऑफ मदर दैवयोग, योग पूर्व जन्म कृत कर्म व्याधि ऑफ गर्भा विषमासना विषमशयना दीज आर ऑल द निदानस ऑफ मृत गर्भ. नेक्स्ट वी विल सी द संप्राप्ति दैट इज पैथोजेनेसिस ऑफ द नि गर्भ मृत गर्भ. सो ड्यू टू निदाना सेवना देयर विल बी गर्भ बन्धन मुक्ति

Shava When the pregnant woman respirates that smell will be having false smell, and also there will be presence of shoola, that is pain. According to dalhana he explains the lakshanas of muta garba as he first explains that garba shofa. He tells that. Fetus becomes edematous like Basti, and due to this Garba Shofa, there will be distinction of abdomen. So, the mother feels Betanavat Pida in Motra Kloma, Pliha, Ekrut, Puppusa, and Hridaya Hrudaya, Pradesha. And mother will become Sagnahina, there will be Shvasakruchrata, and Jivatalu Shushkata, and lastly, Murcha.

मंत्राद अथर्वेद विहितेकदृष्टकर्मण शल्य हर्ता हरणके एक्सप्लेन दैट द ट्रीटमेंट विच इज एक्सप्लेन फॉर द विच इज मेन्शेंड फॉर द अरा संग दट इज रिटेन्शन ऑफ प्लसेंट दैट मेजर शुड बी अप्लाइड इन द मृतगर्भ एंड आलो हि एक्सप्लेन अबउट मंत्रोच्चारण विच इज एक्सप्लेनड इन अथर्वेद एंड फर्दर हि सेज दट एक्सट्रक्ट the dead baby that is dead fetus will be extracted from the experienced surgeon after the treatment of ex after the extraction of fetus the treatment for the mother will be sura sidhu, arishta madhura madhira Asavapana, according to strength of the mother and for her brahmana and santarpana sneharata yavagu will be advised along with postika ahara and also the sneha pana प्रिपेर्ड विथ दीपनीय जीवनीय ब्रमणीय मधुर वाताहार द्रव्यास दिस ऑल अबउट द चिकित्सा ऑफ मृतगर्भ थैंक यू